नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं TNPL का एक और शानदार मुकाबला जो आज खेले जाने वाली है, और ये सिर्फ एकमात्र मुकाबला है आज, मतलब इसको हम लोग टारगेट करेंगे स्मॉल लीग, GL, मिनी GL सभी जगह पे। जैसे मैंने आपको कहा था, सैटरडे और संडे PR फैमिली की जैकपॉट रहने वाली है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। और मैं आपको अभी कहता हूँ, आगे भी हम लोग टारगेट थोड़ा सा छोटे लेके चलेंगे, हम लोग मंडे ट्यूसडे इस दो दिन को टारगेट करने वाले हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है ये मंडे ट्यूसडे PR फैमिली का होने वाला है। जिस मैच को लेके हम बात कर रहे हैं वो खेला जाएगा SS सलीम स्पार्टन्स वर्सेस यहाँ पे होंगे दिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच में। इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपने फैंटेसी टीम को लेके, मैच टाइमिंग को लेके बात कर लेंगे। मुकाबला आज शाम 7:15 में खेला जाएगा SCF क्रिकेट ग्राउंड सलीम में। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। SCF क्रिकेट ग्राउंड स्लिम को लेके बात करें तो यहाँ पे आपको जो वेन्यू स्टैट्स देखने को मिलेगा, एवरेज स्कोर यहाँ होता है औसतन 150 से 170 के बीच में, हाईएस्ट टोटल है 211 का और लोएस्ट टोटल है 73 का। अगर हम बात करेंगे वेन्यू T20 स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेले गए 24, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 14 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 10 मुकाबला। T20 स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, बिलो स्कोर बने हैं 112 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 169 बने 4 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 189 बने 3 टाइम्स और एवव 190 बने हैं 5 दफा। तो आप ये मान के चलो बिलो स्कोर 150 ही यहाँ पे आपको लगते दिखेंगे। अगर आपको किसी वेन्यू का एक्चुअल नेचर जानना हो तो वहाँ पे जो रिसेंट मुकाबले खेले गए उसको बारीकी से देखिएगा। यहाँ पे जो कुछ मुकाबले हुए ना रात वाला, तो भैया इतना अनएक्सपेक्टेड मुकाबला हुआ। ITT की टीम जीती हुई मुकाबला हार गई थी, ये कह सकते थे कि हारी हुई मुकाबला जीती थी फिर जीती हुई मुकाबला हार गई, जहाँ पे लयका पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 160 रन 7 विकेट नुकसान पे। जवाब में ITT 159 8 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 3, सेकेंड इनिंग पेसर 3 और स्पिनर 3 विकेट। उससे पहले जाओगे 7 जुलाई 2024 को, CSD पहले बल्लेबाजी करते हुए चेपक सुपर ग्लिंज लगाती है बोर्ड पे 166 से 6 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, नीली रॉय किंग्स लगाती हैं 168 रन 7 विकेट नुकसान पे 19.5 ओवर में, फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 2, सेकेंड इनिंग पेसर 2 विकेट और स्पिन के खाते में जाती हैं 4 विकेट। इससे पहले जाओगे 6 जुलाई 2024 को, सलीम स्पार्टन्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बोर्ड पे लगाती हैं 180 रन 7 विकेट नुकसान पे। जवाब में SMP यहाँ पे चेस कर लेती है 19.3 ओवर में 185 रन 6 विकेट नुकसान पे। अगर हम बात करें पेस वर्सेस स्पिन लास्ट के 5 T20 मैच में जो कि इस वेन्यू के ऊपर खेला गया है, तो पेसर्स को मिले 34 विकेट और स्पिनर के खाते में भी अच्छे खासे 30 विकेट गए, इसका मतलब ये स्पिनर भी यहाँ पे हावी रहती है। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड को लेके, दोनों टीम आमने सामने आई है 5 दफा, जहाँ पे दिंडीगुल टीम जीती है 4 बार और सामने वाली सलीम स्पार्टन्स जीती है 1 दफा। अगर हम बात करें DD की लास्ट 5 मैच, तो विन लॉस लॉस विन विन रहा है, वहीं सलीम स्पार्टन्स लॉस लॉस विन लॉस लॉस। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपका ओपिनियन इस मैच को लेके क्या है, मेरा मानना है यहाँ पे दिंडीगुल की टीम फिर से जीतेंगी और सलीम स्पार्टन्स की टीम आपको हारते नजर आ जाएंगी। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम अपना लास्ट मुकाबला में कैसे क्या प्रदर्शन किए हैं। तो यहाँ पे दिंडीगुल की टीम लास्ट मुकाबला में जो है 16 रन से जीत के आ रही है, ये टीम एक वेल बैलेंस्ड टीम मुझे नजर आ रही है, जहाँ पे शिवम सिंह के थे 78, अश्विन ओपन किए थे 5 किए थे, विमल कुमार 9, इंद्रजीत 33, बी कुमार 23, एस दिनेश राज 1, श्री शरद कुमार 0, किशोर 2 और वरुण चक्रवर्ती 2 रन। गेंदबाजी में संदीप वारियर एज एन इम्पैक्ट आए थे, कोई इनको डर से नहीं लिए, मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल पे,
भैया ये एज एन इम्पैक्ट आएंगे, इम्पैक्ट आए और इम्पैक्ट वाला काम किए। 4 में 17 रन 2 विकेट, जी किशोर 3 में 37 रन 1 विकेट, आर अश्विन 4 में 18 रन 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 4 में 22 रन 1 विकेट, वीपी धीरन 4 में 41 रन 1 विकेट और पी विग्नेश 1 ओवर 8 रन 0 विकेट। बात करो सामने वाले टीम को लेके, सलीम स्पार्टन्स लास्ट मुकाबला अच्छा खेल के आ रही है। ध्यान रखिएगा भले ये टीम हार गई थी लेकिन आप इनसे इतना बेहतरीन बैटिंग का उम्मीद नहीं कीजिएगा। अभिषेक किए थे 20 रन, आर केविन 70 किए थे, बट इतने तगड़े पोटेंशियल के प्लेयर है नहीं। आर बिस्ट 5, विशाल द्विवेदी टेक्निकल साउंडेड प्लेयर है, जरूर बैक कीजिएगा 56। आर विवेक 1 रन, शनी संधु 10, हरीश कुमार 1, शीत चंद्रन 4 किए थे और पैमोदी यहाँ पे लास्ट में आके किए थे 0 रन। फिर अगर गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो यहाँ पे शनी संधु 3 ओवर 3 गेंद 47 रन 2 विकेट, गणेश मूर्ति 2 में 21 रन 0 विकेट, सचिन राठी 3 में 29 रन 1 विकेट, औशिक श्रीनिवास आए थे एज एन इम्पैक्ट और अच्छा गेंदबाजी किए थे 4 में 29 रन 1 विकेट, पैमोजी 4 में 30 रन 2 विकेट और हरीश कुमार 3 ओवर 27 रन 0 विकेट। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर दिनदगुल ड्रैगन्स का क्या रहने वाला है। तो आपको दिख जाएंगे ओपनर विमल कुमार के साथ, आर अश्विन टूर्नामेंट से पहले विमल कुमार ओपन करने वाले थे लेकिन अब अश्विन ने कह दिया भैया मैं ओपन करूंगा विथ शिवम सिंह, फिर वन डाउन विमल कुमार। फिर आपको दिख जाएंगे बी कुमार, बाबा इंद्रजीत, एस दिनेश राज, वीपी धीरन, संदीप वाडियर, वरुण चक्रवर्ती, जी किशोर और पी विग्नेश। अगर आप मेरी टीम को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि इनके पास मैंने जो संदीप वाडियर को दिए वो इम्पैक्ट प्लेयर को मैंने प्लेइंग 11 के अंदर दिया हुआ। रीजन अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करेंगी तो संदीप वाडियर के साथ जाएंगी, अदरवाइज बल्लेबाजी के टाइम ये एक्स्ट्रा एक बल्लेबाज ले सकती है। बात करो गेंदबाजी में तो जी किशोर का आप मान के चलो 3 से लेकर 4 ओवर, उसके अलावा जो है वरुण चक्रवर्ती 4, संदीप वाडियर 3 से लेकर 4, अश्विन का 4 ओवर देखोगे, देन आफ्टर यहाँ पे आपको जो है ये सामने वाले पी विग्नेश भी 1 ओवर डालते दिख जाएंगे, वीपी धीरन भी आपको 3 से लेकर 4 ओवर डालते नजर आ सकते हैं। अब प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं, पहला नाम आपको दिख जाएगा विमल कुमार, कह सकते हैं ठीक ठाक प्लेयर है, हेड टू हेड 1 मैच में 42 रन लास्ट ईयर वेन्यू पे, 3 मैच में 24 रन लास्ट ईयर हेड टू हेड, रिसेंटली 9-5-45-0-14। आर अश्विन लास्ट ईयर वेन्यू पे 2 मैच में 10 रन 4 विकेट और रिसेंटली पहले ही मैच में 5 रन 3 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, डू नॉट बॉल 28 रन 0 विकेट। शिवम सिंह लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 8 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे 4 मैच में 233 रन, रिसेंटली 78-30-76-10-8। अगर आप किसी बल्लेबाज पे कैप्टन वीसी का दौर लगाना चाहो तो उसमें एक ही नाम होगा शिवम सिंह। अब आइए हम बात कर लेते हैं, आपको दिख जाएंगे भूपति कुमार, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मुकाबला में 83 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 55 रन, रिसेंटली 33-81-80-187-146, मतलब डोमेस्टिक में 1.5 रन बटोर के आ रहे हैं। फिर आपको दिख जाएंगे बाबा इंद्रजीत, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 5 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे 4 मैच 79 रन 0 विकेट, रिसेंटली 23-65-27 0 विकेट, 0-19। एस दिनेश को लेके बात करें, लास्ट ईयर हेड टू हेड जो है नहीं खेले, लास्ट ईयर वेन्यू पे 1 मैच में 1 रन, रिसेंटली 1-10-13। अब यहाँ पे वो 3 नाम जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, पहला वीपी धीरन, लास्ट ईयर वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट लिए थे, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। संदीप वारियर लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। वरुण चक्रवर्ती लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 4 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, डू नॉट बॉल और यहाँ पे 2 विकेट। उनके नीचे जाओगे आपको दिख जाएंगे जी किशोर, एक और विकेट टेकर गेंदबाज, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 26 रन 1 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट 19 रन 0 विकेट। पी विग्नेश को लेकर बात करूँ, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर तो आपको दिख जाएंगे अश्विन, संदीप वाडियर, जी किशोर, डेथ में यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, जी किशोर और संदीप वाडियर। बेंच पे दिखेंगे ये सारे नाम, इनमें से सुबोध भाटी के ऊपर ध्यान रखना, अगर वो खेलते हैं तो हमारे लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, कैप्टन वीसी भी देके चल सकते हो। सलीम स्पार्टन्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर को लेकर जिक्र करेंगे, वो आपके सामने है। ये टीम कहीं ना कहीं अनएक्सपीरियंस मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे
एस अभिषेक के साथ ओपन करेंगे आर केविन, रॉबिन बिस्ट, विशाल वेद आएंगे, फिर सनी संधू, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, हरीश कुमार, आर विवेक ऊपर भी आ सकते हैं, शीत चंद्रन, गणेश मूर्ति, पोयमोजी और आपको दिख जाएंगे यहाँ पर सचिन राठी। गेंदबाजी में सचिन राठी का 4 ओवर, पोयमोजी का 4 ओवर, सनी संधू का 4 ओवर, ये जो 12 ओवर है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। उनके अलावा ओवर जाएंगे हरीश कुमार के पास, फिर जाएंगे सनी संधू के पास, फिर ये लोग इंपैक्ट प्लेयर को लेके यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे गेंदबाजी करके जाएंगे। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेके बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम दिख जाएंगे आपको एस अभिषेक, लास्ट ईयर एक मैच खेले थे, बैटिंग नहीं आया था, वह लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मुकाबला 30 रन किए थे, रिसेंटली 20 डू नॉट बैट, 10-15-0। आर केविन को लेके बात करें, लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच में 25 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे एक मैच में 70 रन, मतलब इस सीजन भी भैया वही मुकाबले खेले हैं, आज वाले जो मुकाबले, कल वाले जो मुकाबले खेले थे वहां पे रिसेंटली 70-7-25-19-13। रॉबिन बिस्ट लास्ट ईयर वेन्यू पे एक मैच में 5 रन, रिसेंटली 5 रन 0 विकेट, 130 रन, 1 विकेट 54 किए थे। फिर आपको दिख जाएंगे विशाल वेद, भैया क्या बैटिंग किए हैं, जितना तारीफ करे उतना कम, टेक्निकल साउंडेड प्लेयर है। लास्ट मैच में देखिएगा यहाँ पे एक मैच में 56 रन किए हैं, रिसेंटली देखिएगा 56-20-45-21-7। आर विवेक को लेके बात कर लेंगे, लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच में 17 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर वेन्यू पे ही मैंने लास्ट वाला जो मुकाबला ये लोग खेले उनका भी स्कोर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 मैच खेले, 18 किए हैं रिसेंटली, 1-7-11 डू नॉट बैट, 6-1 वक्त हुआ करते थे, बहुत बड़े तुरम खान, अब पता नहीं भाई सब तुरम हट गए, खान साहब आ गए। सनी संधू आपको दिख जाएंगे, लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच में 57 रन 2 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 45 रन 6 विकेट, विकेट टेकर गेंदबाज है, बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैप्टन वीसी के एक ठीक ठाक पिक हो जाएंगे। रिसेंटली 10 रन 2 विकेट, 57 रन 2 विकेट, 61 रन 0 विकेट, 29 रन 3 विकेट, 16 रन 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे हरीश कुमार, लास्ट ईयर यहाँ पे देखिएगा हेड टू हेड नहीं खेले थे, लास्ट ईयर वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, जहाँ पे पहला मैच भी इंक्लूड है, रिसेंटली 1 रन 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 9 रन 1 विकेट। शीत चंद्रन लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच 27 रन, रिसेंटली 4-0-3 डू नॉट बैट और डू नॉट बैट। गणेश मूर्ति लास्ट ईयर हेड टू हेड नहीं खेले थे, वेन्यू पे देखिएगा 3 मैच खेले सिर्फ 1 विकेट मिला है, रिसेंटली 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। अगर हम बात कर लेंगे पोयमोजी को लेके, विकेट टेकर गेंदबाज है, आपको टीम में लेकर जाना चाहिए, मिनी जीएल, जीएल में कैप्टन वीसी भी करके चल सकते हो। लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट लिए थे और वेन्यू पे लास्ट के देखिएगा 1 साल में और लास्ट वाले मिला मैच को मिलाकर 2 मैच में लिए हैं 4 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। सचिन राठी लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच 0 विकेट और वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सनी संधू, सचिन राठी, गणेश मूर्ति, डेथ में हरीश कुमार, आर विवेक और पोयमोजी। विवेक के गेंदबाजी करने के चांसेस बेहद ही कम है। एज एन इंपैक्ट आएंगे आर कौशिक, जो कि एक कह सकते हो कि मजे हुए प्लेयर हैं और पुराने चावल हैं, स्पिनर हैं, ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, लेकिन 1 विकेट 2 विकेट के आसपास लेके जा सकते हैं। ये औसिक श्रीनिवास को लेकर मैं बता रहा हूँ, आर औसिक को लेकर नहीं, ये औसिक श्रीनिवास है, ठीक है। इनका देखिएगा 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट लेके आ रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पे मुझे कोई अच्छे पिक नजर नहीं आ रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा मैंने वीडियो के अंदर आपको सारे वो स्टैट्स बता दिए जो आपको स्मॉल लीग के साथ साथ मिनी जीएल जीएल में भी हेल्प करते नजर आ जाएंगी। अब आपने अगर वीडियो को भगा भगा के देखा, स्किप करके देखा है, तो भाई सब आप तो जीएल तो फिर की बात स्मॉल लीग में भी अच्छा रैंक लेके नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मैच में आप अच्छा कर जाओगे। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारी टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेनी है। और आप लोगों में से अभी भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, तो किस बात की देरी है, क्यों कंजूसी करना है, अभी का भी टाइम निकालिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मैंने विकेट के पीछे आप इंद्रजीत को लिया, आप चाहो तो केविन के साथ जा सकते हो, बैटिंग से मैंने के विशाल, अभैध, एस सिंह को लिया हुआ है
ऑलराउंडर से अश्विन पयमोजी सनी संधू को मैंने जगह दी है, बॉलिंग से सचिन डाटी संदीप वाडियर वरुण चक्रवर्ती जी किशोर और बीपी धीरन को अपने टीम में जगह दी है। आप इनके अलावा चाहो तो बीपी धीरन की जगह पे आर केविन को लेकर जा सकते हो, भूपति कुमार के साथ जा सकते हो, रिस्क लेकर विमल कुमार के साथ भी आप जा सकते हो। कैप्टनसी की बार मैंने सौंपे अश्विन को, वीसी सनी संधू और वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक के साथ चले जाना, रिस्क लेकर मिनी जीएलजीएल में आप यहाँ पे एस सिंह के साथ भी जा सकते हो। तो भाई साहब ये हमारी सारी डिटेल्स आपके सामने पहुंच चुकी हैं, इसका फायदा उठाइए, लगाइए मिनी जीएलजीएल आज के मैच में। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएलजीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।